हजारीबाग के गंगा होटल में एसडीओ आदित्य रंजन के नेतृत्व में छापेमारी की गई। होटल के कमरा नंबर 102 और 106 से अपराधियों को धर दबोचा गया, जिसमें पीएमईजीपी में सब्सिडी के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर लाखों की ठगी की जा रही थी। गिरोह के सरगना मनीष चंदन पांडे वसीम के साथ कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला बेसिकली हम लोग को घुसखोरी का कंप्लेन आया था, तो हम लोगों ने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ही प्लांट करके हम लोगों ने इसको पकड़ा है। तो हम लोग पूरे टाइम कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इसको 12,000 रुपये नकद लेते हुए पकड़ा गया है, और वीडियो में उसने स्वीकार किया कि मैंने इससे 12,000 रुपये लिया है, और वो साबित नहीं कर पाया कि 12,000 रुपये इसने इससे क्यों लिया है। तो ये लोग बेसिकली KVIC से हैं, और ये लोग इंडस्ट्रीज़ का सर्वे करते हैं, और इंडस्ट्रीज़ का सर्वे करते हैं कि असली में इंडस्ट्रीज़ है या नहीं, क्योंकि इनको इंडस्ट्रीज़ पर सब्सिडी में लोन सरकार देती है PMEGP के अंदर। तो उस सब्सिडी का जो फ़ायदा इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलता है, उसको इधर उधर करने के लिए लोग पैसा लेते। तो किसी की इंडस्ट्री नहीं है और वो लोन ले रखा है तो उससे घूस लेते हैं, किसी की इंडस्ट्री है उसमें कुछ अनियमितता है तो उसको सही सर्टिफिकेट देने के लिए घूस लेते। मेरी तो बस प्रेस मीडिया के बंधुओं के माध्यम से लोगों से अपील है कि ये व्यवसायी का दर्द जो है वो हम लोग समझ सकते हैं। व्यवसायी को बहुत हम लोग का सरकार जो है बहुत मदद करने के लिए ये सब करती है, उसका ये लोग दुरुपयोग करते हैं।